रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल बॉर्डर एरियाज में बने 90 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स इंडो चाइना बॉर्डर पर बने हैं। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से चाइना बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खास फोकस किया गया और इसी का नतीजा है कि आज LAC के पास टैंक दौड़ रहे हैं। लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचा एयरफील्ड बन रहा है जो बॉर्डर से सिर्फ 46 किलोमीटर दूर होगा। लेह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सड़कों और सुरंगों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन भारत में अब भी ऐसे कई नेता हैं जिन्हें भारत की नहीं बल्कि चीन की तरक्की दिखती है। वो आरोप लगाते हैं कि चीन की सेना भारत में घुस आई लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इंडो चाइना बॉर्डर पर गए थे, उनकी ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको भी ये एहसास हो जाएगा कि LAC की तस्वीर अब कितनी बदल चुकी है। LAC पर चीन की हर चाल होगी नाकाम। चीन को पीछे छोड़ देगा बॉर्डर पर किया काम। नहीं, हम चीन से बहुत आगे होने वाले हैं बहुत जल्दी, और आगे आने वाले समय में अगर इसी तरह से सपोर्ट चलती रही तो हम चीन को बहुत पीछे छोड़ देंगे। चीन की तारीफ करने वाले होंगे हक्के बक्के। सबसे ऊंचे एयरफील्ड पर भारत के तुरुप के इक्के। दुनिया की सबसे ऊंची रोड पर दौड़ते ये टैंक दुश्मन को ये बताने के लिए काफी है कि अब बॉर्डर पर किया गया कोई भी दुस्साहस उसे बहुत भारी पड़ेगा। लद्दाख हो या फिर अरुणाचल, LAC के पास किए गए किसी भी मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये टैंक इसी रफ्तार से दुश्मन के इलाके के पास पहुंचेंगे। ये न्यू इंडिया का न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है। कुछ साल पहले तक हम यही सुनते थे कि चीन ने बॉर्डर तक ब्रिज बना दिए, रोड बना दी, टनल बना दी, एयरफील्ड बना दिए, लेकिन अब भारत भी बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। और जिस हिसाब से चीन से लगते बॉर्डर इलाकों में काम हो रहा है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 साल में हम LAC पर चीन की तरफ किए गए डेवलपमेंट को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन के पास है। हम चीन से बहुत आगे होने वाले हैं बहुत जल्दी, और हमने क्योंकि चीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश था वो बहुत पहले से उसका डिसीजन लिया गया, और हमारे देश में इसके ऊपर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने ज़्यादा तवज्जो दी, और पिछले 8-9 सालों में इस पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया। उससे पहले जो है सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा हमारी फोकस नहीं था, कि DSDBO रोड बिल्कुल LAC से लगती हुई आगे तक 265 किलोमीटर लंबी ये सड़क बनाई बॉर्डर रोड्स ने पिछले 2 साल पहले, और अब CDFD रोड जैसे आपको ज्ञात है कि CDFD रोड LAC से कम 10 से 12 किलोमीटर अंदर चलती है, और कई जगह पर ये 1.5 से 2.5 किलोमीटर में भी है। तो आगे की जितनी भी पोस्ट्स हैं ऑल अलोंग ईस्टर्न लद्दाख हमने उसको सड़कों से जोड़ा है। आगे आने वाले समय में अगर इसी तरह से सपोर्ट चलती रही तो हम चीन को बहुत पीछे छोड़ देंगे। बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में 2-3 साल में चीन को पीछे छोड़ने का दावा अगर कोई नेता करता है तो आप उसे पॉलिटिकल रेटोरिक कहकर खारिज भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ ये बात BRO के DG लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी कह रहे हैं, और जिन प्रोजेक्ट्स की बात उन्होंने कही है उसके डेटा भी उनके पास है। 12 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बने 90 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इन 90 परियोजनाओं पर करीब 2,941 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दिसंबर तक 60 और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। चीन से लगते बॉर्डर एरियाज पर किस स्पीड से काम हो रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2.5 साल में 295 प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि 70% काम लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। यही वो इलाके हैं जहां पिछले कुछ सालों में चीन के साथ सबसे ज्यादा विवाद रहा है, फिर चाहे वो लद्दाख में डेपसांग हो
हॉट स्प्रिंग या फिर पेंगोंग लेक। गलवान वैली पर चीन के साथ हुए खूनी संघर्ष को कौन भूल सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में भी बॉर्डर एरियाज को लगातार डेवलप किया जा रहा है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं, उनमें से एक है DSDBO यानी दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। जब इस रोड पर काम चल रहा था तब इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी वहां गए थे। इस एरिया के टफ टेरेन को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि यहां रोड बनाना कितना मुश्किल काम है। हालांकि BRO की तरफ से मजदूरों की सुरक्षा के लिए सभी प्रिकॉशन लिए गए। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जितने मॉडर्न मशीनरीज होती है उन्हें यहाँ काम में लाया जा रहा है। रोड कटिंग के लिए मनीष प्रसाद के सामने ही कई कंट्रोल्स ब्लास्ट किए गए। ये DSDBO का रोड है और यहाँ पर इस रोड को तैयार किया जा रहा है, इसीलिए अलग अलग मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। BRO दिन रात यहाँ पर काम कर रहा है और इस धमाके के साथ एक बार फिर से जो ये रोड है उसको स्ट्रेच करने की ये प्रक्रिया की गई है, ताकि जब भी यहाँ पर इक्विपमेंट आए, अगर आर्म्स एमिनेशंस या फिर आर्टी गन्स या जो आर्मर्ड कॉलम्स हैं वो जब ये मूव कर रहे हैं तो ऊपर जो पहाड़ है जो पूरी तरीके से शील्डेड है, टनल नुमा बना हुआ है, वो कहीं से भी ना टकराए, इसीलिए अब इसको काटा गया है, हटाया गया है। जैसा कि अभी काफ़ी रोड पोर्शन तो बन चुका है, अगर आप देखोगे सामने की तरफ, अगर आप वीडियो दिखा सकते हैं, सामने की तरफ जो पहाड़ी दिख रही है, ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं वो बिल्कुल ऐसा ही था, वर्टिकल फेस, क्लिफ फेस था। उसको ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, क्लियरिंग करने में काफ़ी टाइम लगता था, बट एज ऑफ नाउ जो पिछले ये जो स्ट्रेच है, हमने 6 महीने के अंदर अराउंड अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर्स हमने कंप्लीट कर दिया है इन 6 मंथ्स। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि 6 महीने में 7 किलोमीटर लंबी सड़क बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप हिली एरिया के डिफिकल्ट टेरेन को समझते हैं, रोड कटिंग में आने वाली मुश्किल और इस दौरान किए जाने वाले कंट्रोल ब्लास्ट से पहाड़ टूटने के खतरे का अंदाजा आपको होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि 6 महीने में 7 किलोमीटर रोड बनाना भी कितनी बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले की सरकारें इस बात को लेकर डरती थी कि अगर भारत ने LAC के इलाकों में विकास किया तो चीन नाराज हो जाएगा, क्योंकि यहां कई इलाके ऐसे हैं जिन पर चीन अपना दावा करता है। लेकिन 2014 में मोदी सरकार आने के बाद चीन के बॉर्डर को लेकर सरकार का रुख बदल गया। इन इलाकों के विकास के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया गया। BRO के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी के मुताबिक 2008 में BRO का बजट 2.5 से 3 हजार करोड़ हुआ करता था। 2017 में यह बढ़कर 2 गुना यानी 5 से 6 हजार हो गया। 2021 में सरकार ने चीन बॉर्डर पर स्थित इलाकों में रोड, ब्रिज और टनल बनाने के लिए BRO को 9 हजार करोड़ रुपए दिए। 2022-23 में ये रकम 12,340 करोड़ हो गई। सबसे ज्यादा जोर रोड बनाने पर दिया गया। महज 2 साल में रोड के लिए दिए जाने वाले फंड को 2 गुना कर दिया गया, 2,500 से सीधा 5,000 करोड़ रुपया। बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ एक फील्ड है जिसमें चीन हमसे आगे है, और वो है टनल यानी सुरंगों का निर्माण। सुरंगें ना सिर्फ डिस्टेंस और टाइम को कम करती हैं, बल्कि किसी संघर्ष की स्थिति में आर्म्स एम्युनिशन के स्टोरेज से लेकर टैंकों को छिपाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब सरकार ने BRO से टनल्स पर भी तेजी से काम करने को कहा है। पिछले 60 सालों में 2020 तक BRO ने केवल 2 टनल बनाई थी, उसके पिछले 3 सालों में 2020 से 23 में 4 टनल बनी हैं, और आज हम 10 टनल्स पे काम कर रहे हैं जो अगले साल तक ख़त्म हो जाएंगी, और 7 टनल्स पे हम बहुत लेटेस्ट स्टेज में प्लानिंग कर रहे हैं जो बहुत ऊंचाइयों पे बनाई जाएंगी। अभी 15 फरवरी को इसी वर्ष भारत सरकार ने शिंकुला टनल की घोषणा की है जो जंस्कार को लाहौल स्पीति से जोड़ेगी, और ये 16,700 फुट का जो दर्रा है शिंकुला उस पर बनेगी। ये संसार की, जब ये बन जाएगी, संसार की सबसे ऊंची टनल होगी। 15,855 फुट पर आज संसार की सबसे ऊंची टनल 15,500 फुट पर मीला टनल है चाइना में, उसका भी हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और जो आपको मैंने बताया कि जो न्योमा में एयरफील्ड बन रहा है, ये फाइटर एयर बेस, सबसे ऊंचा फाइटर एयर बेस होगा। सबसे ऊंची सड़क का हमने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया निर्माण शुरू किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।